चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान क्या क्या हो सकते हैं। एक कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद ऊपर वाला हिस्सा मूर्धन्य, उसके बाद दंत्य और उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, तो कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर का। ठीक है, तो ये आप क्रम पहले याद रखना भाई, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग जमाएंगे। तो स्वर कहाँ से स्टार्ट होता है? आ से। तो हम स्टार्ट करते हैं आ, आ के बाद बड़ा आ। ठीक है, तो आ और बड़ा किसमें आएगा? कंठव्य वर्ण में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? ई और बड़ा ई, बस लाइन से जमाते चलेंगे। ई और बड़ा ई किसमें आएगा? आपका तालव्य में। उसके बाद आता है ऊ और बड़ा ऊ, लेकिन उसको याद रखना, उसको सबसे लास्ट में डालना। ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ कहाँ आएगा? ओष्ठ में। ठीक, आप खुद ही बोल के देखो, वैसे वो ट्रिक काम नहीं आता। ऊ ऊ बोल रहे हो तो ओट ऐसा बन रहा है। ठीक, तो उससे भी ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद ऊ और बड़ा ऊ के बाद क्या आता है? री। तो री को फिर से हम इसी क्रम में जमा देंगे। तो ये हुआ क्या? स्वर। इसमें कोई भी स्वर नहीं आता। ठीक है, तो आ आ ई बड़ा ई, फिर सबसे अंतिम में ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद क्या? री। और ये दंतव्य वाला क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ जब बता रहा था, तो चुपचाप क्या लिख दूंगा मैं इसमें? पूरे के पूरा का वर्ग। तो का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, का खा गा गा अंगा, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंठ वर्ण। ठीक है, तालव्य वर्ण में पूरे के पूरे क्या? च वर्ग भाई। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें टा वर्ग और इसमें तावर्ग और इसमें क्या आपका? पा वर्ग। ठीक है, तो कचट तप आप याद रखना लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या क्या होते हैं पहले मुझे ये बता दो। तो अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं? या रा ला और वा को। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो कुछ नहीं, इसको पहला वाला को आपको छोड़ देना है भाई, पहले वाले को छोड़ देना है, फिर उसी क्रम को आपको लिखना है। या रा और ला, वा को भी छोड़ देना भाई, वा को नहीं छोड़ देना, तीन ही लेना है हमको। पहला वाला पहले ब्लैंक करना, फिर या रा और ला। कहने का मतलब तालव्य वर्ण क्या है? या है, मूर्धन्य रा है और आपका दंत्य क्या है? ला। ठीक है, नेक्स्ट उष्म व्यंजन। तो पहले उष्म व्यंजन मेरे को बताओ भाई किसको किसको बोला जाता है? तीनों प्रकार का सा और एक क्या? हा। तो जो हा है उसको मैं लिखूंगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद भाई आएगा हमारा शक्कर का सा और सबसे नीचे में आएगा सरौता का सा, बीच में आएगा षटकोण का सा। तो ऐसा आपको जमाना है, शक्कर फिर सरौता और बीच में षटकोण का सा। चलिए अब और कुछ वर्ण देखते हैं, जैसे कि कंठ तालव्य। तो मैंने ये कंठ और इस तालव्य को क्या किया है? मिला दिया है, वही क्या कहलाएगा? कंठ तालव्य वर्ण। ठीक है, तो इसको मिलाया तो इसको भी मिलाऊंगा, तो आपको पता होगा अ और ई से क्या बनता है? ए। ठीक है, तो ए और बड़ा ए, कंठ तालव्य वर्ण में क्या आएगा? ए और बड़ा ए। ठीक है, या ए और ए और ए भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैंने मिलाया कंठोष्ठ। तो आपको दिख रहा होगा कंठ और किसको मिला दिया मैंने? ओष्ठ को, तो वही क्या कहलाया? कंठोष्ठ। तो फिर से स्वर को मिलाएगा आ और ऊ को, तो आ और ऊ क्या बनाएगा? ओ और बड़ा औ। ओके, उसके बाद एक हमारा बचा हुआ था या रा ला का वा वर्ण, वो कहाँ पे पुट होगा? तो जब मैं दांत और ओष्ठ को मिलाऊंगा वो क्या कहलाएगा? आपका दंतोष्ठ, और वहां पे आएगा वा वर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा भाई, जगह नहीं है, दंतोष्ठ में कौन सा वर्ण आएगा? वा वर्ण। उसके अलावा एक और बच रहा हमारा, जिसे बोला जाता है नाशिक वर्ण या नाशिक के व्यंजन, जो भी बोलो। तो देखो, नाशिक के वर्ण कौन सा कहलाएगा? तो नाशिक के कहने का मतलब ऐसा वर्ण जो नाक से निकले, नाशिक के। तो जितना भी आपका कचट तब का अंतिम वर्ण है उसे क्या बोला जाता है? पंचम वर्ण, क्योंकि इसका स्थान क्या है? पांचवा है। तो जितना भी अंतिम वर्ण है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाशिक व्यंजन। ठीक है, तो क वर्ग का अंतिम वर्ण का खा गा घा अंगा। ठीक है, च वर्ग का अंतिम वर्ण चा छा जा झा या। ठीक है, मतलब ये जो इया कहाँ से निकल रहा है? नाक से निकल रहा है। ट वर्ग का टाठा डाढ़ा अंगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ट वर्ग का टाठा डाढ़ा अणा। त वर्ग का ताथा दाधा ना। ठीक है, प वर्ग का पाफा बाभा मा। तो ये क्या कहलाएगा? नाशिक वर्ण। तो इतने आप याद रखेंगे। ओके, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्या, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक को बोला जाता है क्या अल्पप्राण, एक को बोला जाता है क्या महाप्राण। ठीक है, तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है, ऐसा वर्ण जिनको बोलने पर कम वायु बाहर निकले। ठीक है, ऐसा वर्ण जिनको बोलने पर कम वायु बाहर निकले वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। कहने का मतलब प्राण हमारा कितना निकल रहा है, प्राण हमारा कितना निकल रहा है, अल्प निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है। ठीक, जिन वर्णों को बोलने पर वो क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, इसी का अपोजिट है महाप्राण। कहने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु का क्या हो, अधिक वायु बाहर निकले या प्रक्षेपण हो, अधिक वायु बाहर निकले। ठीक है, मतलब जिन वर्णों को बोलने पर हमारे प्राण अधिक निकल जाते हैं, जैसे कई लोग बोलते बोलते क्या थक नहीं जाते हैं, कोई शब्द ऐसा आता है जिससे क्या हफर गए बोलते हैं ना, उस टाइप का। ठीक है, तो डेफिनेशन तो पूछता नहीं, फिर भी अल्प प्राण मतलब कम वायु बाहर निकले। कोई भी वर्ण बोलोगे तो आप वायु तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, अल्प प्राण में कम वायु बाहर निकले और महाप्राण में अधिक वायु बाहर निकले। ठीक है, तो वर्ण को बोल के तो हम पता लगा नहीं सकते भाई कौन सा वर्ण अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कचट, तब मैंने बोला क्या व्यंजनों का वर्गीकरण, केवल हम व्यंजन को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ लिख रखा है कचट तब, तो कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण में आएंगे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, इसी प्रकार सब में च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, इसी प्रकार ट वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसी प्रकार का त वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इसी प्रकार प वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या कहलाएंगे आपके अल्प प्राण। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है क्या, अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या मैंने बता चुकी है आपको, अंतस्थ व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, और कौन कौन से हैं वो, या, रा, ला और वा। तो इतने व्यंजन आते हैं अल्प प्राण में। तो जब भी आप ऐसे चीजों को याद रखोगे ना, केवल एक याद रखना, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके अलावा अंतस्थ। दूसरा में क्या हो जाएगा, महाप्राण में जस्ट इसका अपोजिट, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा आया था, कहने का मतलब इसमें कौन सा वर्ण आएगा, दूसरा आएगा और चौथा आएगा। ठीक है, सेम इसमें भी दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा, इसमें भी दूसरा और चौथा। उसके अलावा यहाँ क्या आया था, अंतस्थ व्यंजन आया था, और व्यंजन में हमारा क्या बचा हुआ है, उष्म व्यंजन, तो इसमें जो उष्म व्यंजन है वो आएंगे। ठीक है, और उष्म व्यंजन आपको पता ही है भाई, तीनों, सा, शक्कर का, सरौता का, षटकोण का, उसके अलावा एक क्या, हाँ, तो इतने वर्ण क्या कहलाएंगे आपके महाप्राण। एक बार संख्या काउंट कर लेते हैं, कभी कभी संख्या भी पूछ देता है। ठीक है, तो अल्प प्राण में तीन तीन है, तो 5 3 15 और 4 19, तो इसमें कुल वर्ण कितने हो जाएंगे अल्प प्राण में, 19। ठीक है, महाप्राण में कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 2 2 है, 5 2 10 4 14, तो महाप्राण में कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं श्वास में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, मतलब कुछ वर्णों के, कुछ वर्णों को बोलने पर क्या होता है हमारा श्वास या श्वास या स्वर तंत्रियां कंपन होता है या वाइब्रेट होता है। एक्चुअली यहाँ पे श्वास की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं, स्वर तंत्रियां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर क्या वर्णों का वर्गीकरण, तो हमको वही देखना है कौन से वर्ण को बोलने पे कंपन होता है, कौन से वर्णों को बोलने पर कंपन नहीं होता। ठीक है, तो देखो अघोष, आप ही बताओ, किसी भी चीज में हिंदी में अ जुड़ गया मतलब वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए तो सफल का अपोजिट क्या, असफल। कहने का मतलब अ जुड़ गया मतलब इसमें कंपन नहीं होगा। ठीक है, घोष, घोष में क्या है, कंपन होगा, ये डेफिनेशन बन गया भाई। ठीक है ना, ऐसे डेफिनेशन पूछता नहीं है, आपको वर्ण पूछेगा कौन सा अघोष वर्ण है कौन सा घोष वर्ण है, फिर भी हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं थोड़ा उनके बारे में डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो वो अघोष वर्ण, सॉरी कंपन ना हो अघोष वर्ण, और जिन वर्णों को बोलने में कंपन हो घोष वर्ण। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्श व्यंजन का जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा आपका, अघोष वर्ण। उसी प्रकार से इसमें भी
सब में मैं पहले वर्ण और दूसरे वर्ण को क्या कर दे रहा, गोल लगा दे रहा, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा याद रखना है हमको तीनों प्रकार का स, ठीक है ना। उष्म व्यंजन नहीं बोलेंगे भाई, क्योंकि उष्म व्यंजन में ह भी शामिल है, लेकिन इसमें ह नहीं आता, केवल इसमें तीनों प्रकार का क्या हमारा स। ओके, तो ये क्या कहलाता है, अघोष वर्ण। फिर से हम घोष की ओर जाते हैं, तो पहला दूसरा तो इसने बुक कर लिया, कहने का मतलब तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, सभी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, और इधर भी आपका तीसरा चौथा पांचवा। उसके अलावा इसमें का एक ह बचा हुआ है, तो वो ह किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। उसके बाद और क्या बचा हुआ है व्यंजन में, आपका पूरा का पूरा अंतस्थ व्यंजन बचा हुआ है। तो पूरा अंतस्थ व्यंजन क्या क्या भाई, या, रा, ला और वा। उसके अलावा पूरा स्वर, और स्वर की संख्या मैंने पहले ही बता चुकी है आपको कितना है, 11। आ बड़ा आ, ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ और औ, सारे के सारे स्वर, ठीक है। तो इतने सारे वर्ण आएंगे किसमें, घोष में, ठीक है। तो एक बार पूछ दिया था कुल घोष वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्णों की संख्या निकाल लेते हैं हम, 3 और 5 मतलब 5 दिया 15, 15 एक 16, 4 20, और 20 और 11 कितना हो गया, 31। तो याद रखना कुल घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। उसी प्रकार से इसमें कुल अघोष वर्ण कितने हो जाएंगे, काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 2 मतलब 5 दो 10 और 3 13 भाई, ठीक है। तो ये हुआ क्या, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जो कि क्या था, अघोष और घोष। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्ण विच्छेद, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपको ऐसा वर्ण दे दिया रहेगा, ऐसा शब्द दे दिया रहेगा, और बोलेगा इसमें कितने वर्ण है पहचान, इसमें कुल कितने वर्ण है। कभी कभी तो वर्णों की संख्या पूछ देता है, कभी कभी कौन से वर्ण है करके आपको 4 ऑप्शन भी दे दिया रहेगा, जो कि बड़ा ही ईजी है। चलो देखते हैं राम, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखना, कोई भी आपका व्यंजन है वो हमेशा किससे मिलकर बनेगा, किसी न सॉरी हमेशा किससे मिलकर बनेगा, स्वर से मिलकर बनेगा। अब यहाँ पे आपको ये का है, तो का ऐसा नहीं है भाई, का एक्चुअली में ऐसा है आधा का प्लस आ, हमेशा कोई भी व्यंजन स्वर से मिलकर ही बनेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, व्यंजन, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले ही बता रखा है कि व्यंजन क्या है, परतंत्र है, जो कि कभी स्वतंत्र नहीं होता, हमेशा व्यंजन स्वर से ही मिलकर बनता है। ओके, ठीक है, चलो। तो देखो, जिसमें कुछ नहीं दिखा उसमें हमेशा कौन सा स्वर रहेगा, आ, और मान लो जैसे जिसमें दिख गया, जैसे कि की, अब इसमें आपको दिख रहा है कौन सा, छोटा ही, तो ये ऐसा है, ठीक है, दिख गया मतलब वही है, और जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है उसमें हमेशा क्या रहेगा, आ स्वर रहेगा। चलो बनाते हैं भाई, सबसे पहले मैं अलग करूंगा किसको, रा को, और रा कैसा है, मैंने बोला ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हमको स्वर दिख रहा है, हाँ, आ की मात्रा दिख रहा है, तो दिख रहा है तो उसी को उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम क्या, माँ, तो माँ कैसा है, मैं बोला आपका ऐसा है। अब कुछ है क्या इसके बगल में, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कौन सा वर्ण है आपका, आ, ठीक है। तो ये हुआ राम का वर्ण विच्छेद। तो एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि राम में कुल कितने वर्ण है, तो कुल कितने वर्ण हो गए, 4, 1 2 3 4, कभी कभी इनका वर्ण विच्छेद करो भी पूछ देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, निषेध, ठीक है। चलो पहले मैं कौन सा वर्ड उठाया, ना, ठीक है। अब ना कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इसमें कोई स्वर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये क्या है, छोटा ई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ना का खेल खत्म। अब मैं क्या लूंगा, सा, ठीक है, सा कैसा है, ऐसा है, ठीक है। इसमें कोई स्वर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है क्या, ए, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया ए। ओके, इसके बाद इसका खेल खत्म, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, धा, धा कैसा है, ऐसा है, इसमें कोई स्वर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है आपका, आ। तो ये हुआ निषेध का वर्ण विच्छेद। अगर इसमें वर्णों की संख्या पूछ लिया तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकार, ठीक है। अब देखो, पहले मैं पा वर्ण को उठाऊंगा, पा ऐसा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये जो है ना, इसका मतलब ही क्या है, आधा रा, ठीक है। तो बस मैं इसको उठा के रख दूंगा, ऐसा प के बाद आधा रा। इसके बाद कोई दिख रहा है स्वर, नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, आ है, ठीक है, इसका काम समाप्त है, ठीक है। उसके बाद का,
नेक्स्ट वर्ड उठाएंगे, का कैसा है, ऐसा है, इसमें कोई वर्ण दिख रहा है, कोई स्वर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, आ की मात्रा, तो मैं क्या लिख लूंगा, आ, ठीक है। इसके बाद इसका खेल भी खत्म। उसके बाद रा, रा कैसा है, ऐसा है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या, स्वर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है आपका, आ, ठीक है। तो ये हुआ प्रकार का वर्ण विच्छेद, कितने वर्ण, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। नेक्स्ट चक्की, पहले मैं उठाया चा वर्ण को, ठीक है ना, चा ऐसा है, कोई इसके इसके बगल में कोई स्वर दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब क्या है, आ है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, आधा का, अब इसको तो मैं ऐसे ही उठा के रख दिया भाई, आधा का, ठीक है ना। अब इसमें हमको स्वर नहीं जोड़ना है भाई, क्योंकि ये पहले से ही आधा का है, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं इस वर्ण में आता हूं, का ऐसा है, और इसमें दिख रहा है क्या स्वर, हाँ दिख रहा है, ई, ठीक है। तो ये हुआ किसका, चक्की का, ठीक है। रामायण, रामायण का करते, पहले मैं वर्ण उठा लिया रा, दिख रहा है क्या स्वर, हाँ दिख रहा है, आ, ठीक है। नेक्स्ट उठा लिया मैं मा, मा में स्वर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, आ, इसको भी मैंने काट दिया, ठीक है। नेक्स्ट उठा लिया मैंने या, या में स्वर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा, नहीं, या में स्वर नहीं दिख रहा है, मतलब क्या है, आ है। अणा, ठीक है, अणा में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब उसमें भी क्या है आपका, आ,